और सुनाओ भाई, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बड़े अच्छा से चल रहा होगा जीवन। मैं नोट पैड खोलता हूँ पहले, ठीक है? हमने DDL कमांड तो पहले देखा था, और अब हम DML पढ़ लेते हैं। DML, फिर DQL भी देख लेंगे थोड़ा सा, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और DML माने डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DDL माने डेटा डिफाइन, जो मैंने आपको बता दिया था, राइट? तो ये है मेरा MySQL का वर्क बेंच। ये वही सारा कमांड है जो मैंने पिछले बार करा था, राइट? ये दूसरा तो नहीं होगा पिछले बार वाला, ठीक है? तो यहाँ तक हमने देखा था, राइट? देखते हैं इसके आगे क्या है। तो क्या कहते हैं, मैं क्या करूँगा, नोटपैड में एक रखा हूँ इधर मैं क्वेरी, ठीक है? ये है टेबल बनाने का क्वेरी, राइट? हम आज क्या करने वाले हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। क्या लिख रहा हूँ मैं, डिलीट सेलेक्ट, सेलेक्ट, ठीक है? ये तीन चीजें हम करके आज देख लेते हैं, बाकी बचेगा तो देखेंगे कभी और, ठीक है? तो शुरू करें। डेटाबेस में टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे होगा, वो डेटा अपडेट कैसे होगा, फिर वो डेटा डिलीट कैसे होगा, फिर वो डेटा सेलेक्ट कैसे होगा, राइट? ये तीन चार चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं देखेंगे, हम नॉर्मल देखेंगे पहले तो, ठीक है? तो मैं खोल लेता हूँ अपना वर्क बेंच। MySQL है, आपको इंस्टॉल करना आता ही है जी, नहीं आता है तो आप कभी पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको आता है, सब तेजस्वी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कर लूँगा एग्जीक्यूट, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने ड्रॉप का, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट? ड्रॉप का मैंने टेबल चला दिया था, तो वो एग्जिस्ट अब करेगा नहीं। कंट्रोल एंटर हिट किया, बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, नया एसक्यूएल फाइल बनाता हूँ, ठीक है? सेव करता हूँ मैं इसको lec2 नाम से। अरे यार, लेक्चर का पूरा स्पेलिंग आता नहीं है ना, तो इसलिए मैं इतना लिख देता हूँ, ठीक है? ये कोई नया ट्रेंड नहीं है लिखने का। तो मैं नोटपैड वाला उठाता हूँ ये टेबल, और सिंपल सा कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है? ऐसे। तो क्रिएट टेबल का नाम, टेबल लिया, फिर टेबल का नाम स्टूडेंट, नेम वारकर है, मैंने वो वारकर डेटा टाइप है, 100, कोर्स है, मोबाइल है, ईमेल है, पिन कोड है, फीस है, और ये रोल नंबर है। फीस फ्लोट टाइप का है, रोल नंबर इंट टाइप का है। मैं इसको तोड़ता हूँ, ठीक है? क्यों तोड़ता हूँ आप समझ जाएंगे, ठीक है? लास्ट नेम इसको कर देता हूँ फर्स्ट नेम, राइट? ऐसे। जैसे ही मैं इसको पकड़ के, ठीक है, इसको मैं जैसे ही चलाऊंगा, ये देखिए टेबल बन के रेडी हो गया, ठीक है? मैं DSE करूँगा, और DSE करने के बाद स्टूडेंट कर लूँगा, तो आप देख लेंगे इक्का वो मजाक है, सेमी कॉल बना ही दिए हैं हम। ये देखिए डिस्क्रिप्शन हम देख लिए, डज नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट, हमने स्पेलिंग गलत लिखा है, ठीक है? मैंने डिस्क्रिप्शन निकाला, ये देखिए सारा डिस्क्रिप्शन हमें मिल गया यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन, राइट? अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसमें हमें डेटा इंसर्ट करना है, राइट? सारा क्वेरी ले गया मैं ऊपर, ठीक है? ये ओरेकल में भी ऐसे ही चलेगा, राइट? ये ओरेकल में भी ऐसा ही चलेगा, ठीक है? मैं आपको आखिरी में दिखा दूंगा, ठीक है? एसक्यूएल सर्वर में भी ये चला लेना आप, ठीक है? हो सकता है इंट के जगह पे नंबर आ जाए, अलग बात है, ठीक है? तो ये ऐसे ही चल जाएगा ओरेकल पे,
या मेरा वो ब्रेकर ओपन अगर हो। चल जा भाई, तो दिखा देता हूँ मैं, चलना जल्दी। ये देखिए, इसको मैंने रन कर दिया। ये देखिए, टेबल क्रिएटेड। तो ये ओरेकल पे भी ऐसे ही चलेगा, डी ई एस सी स्पेस ई स्टूडेंट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देखता हूँ। ये देखिए सारा डिस्क्रिप्शन आगे, यहाँ पे भी स्टूडेंट टेबल फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये देखिए टोटल वार के फ्लॉट। ये देखिए नंबर ही अपने आप ले लिया, यहाँ पे हमें नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, ये लेंथ इसका 22 ले लिया, ये हमने नहीं दिया इसलिए। और ये जो पता नहीं क्या लिखा है, ये 126 ले लिया। ठीक है, तो चलिए बहुत ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम अपना काम करेंगे इंसर्ट करने का। तो क्या क्या हम कर सकते हैं, इंसर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए हम करेंगे इंसर्ट इनटू। ठीक, इंसर्ट इनटू लिखेंगे, उसके बाद इंसर्ट इनटू, फिर लिख देंगे जी टेबल का नाम। ठीक, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पे आता है टेबल का नाम। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कमेंट आउट करके ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल फिर यहाँ पे COLUMN कॉलम नेम यहाँ पे देंगे, पर ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल कब होगा कब नहीं होगा थोड़ी देर में बता देता हूँ। राइट, कॉलम नेम फिर यहाँ पे होगा वैल्यूज, मैं वैल्यू नहीं वैल्यूज़ ले रहा हूँ अभी। ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यूज़ होगा। अगर हमें टेबल में इंसर्ट करना है स्ट्रिंग, माने क्या बोलते हैं अक्षर शब्द, मतलब वर्चुअल टाइप का अगर हमें डेटा इंसर्ट करना है तो सिंगल कोट डालेंगे। ठीक है, अगर डेटा होगा नंबर टाइप का तब हम सीधा नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हम लिखेंगे और सेमी कॉलन देकर टर्मिनेट करके एंटर मारेंगे। सेमी कॉलन नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा क्या, चल जाएगा जी, देख लेना। टेबल नेम, यहाँ पे कॉलम नेम मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। राइट, सीधा VALUES वैल्यू मैं सिर्फ लिखता हूँ, वैल्यूज़ नहीं लिख रहा हूँ अभी। ठीक, अब कब वैल्यूज थोड़े देर में बता दूंगा मैं। ठीक, डबल कोट फर्स्ट नेम एस सी एम एम टी कॉमा एम आई एस एच आर एफ कॉमा कोर्स में लिख देता हूँ जी, बी सी ए लिख देता हूँ। ठीक है, कॉमा मोबाइल नंबर 1234567890। आप फोन नहीं करोगे क्योंकि नंबर सही नहीं है यार, इसलिए नहीं फोन करोगे। ठीक है, ईमेल SEMANT, इसमें ईमेल करोगे क्या, मत करना ईमेल। ठीक है, SEMANT@gmail.com। ठीक, ये ईमेल हमने लिख दिया। ठीक है, चाहो तो मेल कर लो। पिन कोड में मैं 1234567896 डिजिट कोई सा भी दे रहा हूँ, मेरा पिन कोड है नहीं लेकिन। ठीक है, फीस स्टूडेंट का क्या फीस होगा जी, 10 रुपये में हम पढ़ा देंगे। रोल नंबर 111 दे देते हैं। ठीक है, सेमी कॉलम बिना दिए मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल एंटर मारता हूँ। ये क्या हो गया जी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इंसर्ट इनटू अकर मैनुअल रिस्पॉन्ड, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मजा नहीं आया मेरे को। एरर मैनुअल करस्पॉन्डिंग, पता नहीं है क्या लंबा चौड़ा बोल रहा है। ओह, अब समझ गया, नियर DESE, ओ समझ गया मैं। सेमी कॉलन मैंने कहीं नहीं दिया था, फिर से मैं कंट्रोल स्पेस हिट करूंगा। फिर ये बोल रहा है DESE स्टूडेंट, मैंने DESE, अच्छा यहाँ पे DESE लिखा है ना, इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा है। ये नहीं करेगा अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन दे दूंगा तो। ठीक है, सेमी कॉलम दे दूंगा तो, लेकिन मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ मैं पहले। ठीक है, अब सेमी कॉलम हटा के भी हम करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए इंसर्ट हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक,
अगर डेटाबेस में डेटा है उसको सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, अगर सारे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप लिखा देंगे सिंपल सा स्टार। सबसे पहले लगेगा सिलेक्ट कीवर्ड, सिलेक्ट फिर स्टार, ठीक, फिर लगाओगे आप स्टार माने सारा कॉलम, यहाँ पे आता है कॉलम का नेम, ठीक, कॉलम का नेम, फिर स्टार, फिर फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक, ये लिख करके आपको एंटर हिट कर देना है, सेमी कॉलम दिया मैं, एंटर हिट करा, ये देखिए सारा डेटा मेरा आ गया यहाँ पे। मैं फिर से भी बताऊँगा डेटा इंसर्ट, डेटा सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है। इसको मैं हटा दूँगा, ठीक है, तो इससे हो गया डेटा इंसर्ट हो गया। फिर मैं आता हूँ नीचे, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे करता हूँ पेस्ट। अब मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देंगे हम कॉलम, ठीक है, और फिर इसी को मैं कॉपी करूँगा जी, एंटर किया ऐसे, ठीक, फिर कॉमा दिया, फिर एंटर किया ऐसे, ठीक, यहाँ पे दे दिया मैं सेमीकोलन। मुझे तीन रो इंसर्ट करना है, ठीक, नाम को मैं गलत कर देता हूँ कुछ, कुछ और दे देते हैं, कुछ कुछ डेटा, ठीक है, डेटा कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है, 10 के लिए अभी 11 रुपये ले लेंगे, ठीक है, 12 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, राम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, बाकी मैं सारा डिटेल सेम रहने देता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं कि उतना मैं एडिट करूँ। 13, 14, मैं सिर्फ आईडी को बदल रहा हूँ ताकि पता चले, ठीक है। अब इन सबको मैं सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाया, सारा रो अफेक्टेड हो गया, ठीक, ये तीन रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है, किया, ये देखिए पहले का ये है, फिर बाद में तीन रो हो गया, ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब मल्टीपल रोज जब इंसर्ट करने होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू में लिखा हूँ यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं, ठीक है, मैंने नहीं लिखा अभी, फिर भी इंसर्ट हो गया। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा 14 रो, यहाँ पे सीरियल नंबर 15 कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा मैं 16, ठीक। अब अभी भी मैं डेटा अगर इंसर्ट करूँगा तो कंट्रोल एंटर मारा, ये देखिए तीन रो अफेक्टेड, फिर से ये डेटा इंसर्ट हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा मल्टीपल टाइम जो है इंसर्ट कर लेंगे, ठीक, मल्टीपल रो वन टाइम, ठीक। अब रहा बात कॉलम का नेम, हमें कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, बता रहा हूँ, एक कमांड ओरेकल के लिए कामयाब है या नहीं आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ओरेकल पे नहीं चलेगा, ठीक, सिंगल डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने इस्तेमाल करा है सिंगल डेटा के लिए, ये ओरेकल पे काम करेगा सिंगल डेटा के लिए, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू समथिंग समथिंग, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है भाई इसको, मिसिंग, इसको मैं क्या कर देता हूँ जी, वैल्यूज, ठीक, अब कर देता हूँ इंसर्ट, ठीक, अब ये आ गया। तो ओरेकल के लिए एक काम कर दिया, वैल्यूज मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसकी वैल्यू में तो चल गया था लेकिन ओरेकल में नहीं चला, ठीक, तो वैल्यूज लिए। अब क्या मल्टीपल टाइम इसी को मैं कॉपी पेस्ट मार दूंगा तो चलेगा, कॉमा दे करके देख लो जी, नहीं चलेगा ये शायद, ये देखिए आ गया। तो क्या करना चाहिए हमको मल्टीपल टाइम इंसर्ट करने के लिए, मैं इसको बदल देता हूँ ऐसे, यहाँ पे दे दूंगा मैं 13, ठीक है। ओरेकल में अगर मल्टीपल टाइम चलाना है तो आप क्या करें, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे इंसर्ट के बाद ताल लिख दें आप, और फिर क्या करें, ये जो है ना इसको ऐसे, ठीक, ऐसे आप चला देंगे तो चलेगा मल्टीपल टाइम 13, 14, ठीक, ये लीजिए ताल, ठीक। अब
मैं इसको चलाऊंगा तो चलेगा क्या? अब भी नहीं चलेगा जी। ठीक है, देखिएगा क्या करते हैं। सेलेक्ट कीवर्ड मिसिंग, तो अब यहाँ पे हमें करना होगा सेलेक्ट फ्रॉम डुअल, डुअल कर देंगे तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुअल। अब तो मैंने सही लिखा है, अब इसको क्या समस्या है भाई? सेमीकोलन ले लूँ क्या? ले लूँ भाई, कुछ तो समस्या है इसको। इंसर्ट आई इनटू स्टूडेंट वैल्यूज समथिंग समथिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुअल। एक सेकेंड टाइम देना भाई, क्यों नहीं चल रहा है? मैं चेक करूँ स्पेलिंग। तो ये देखिए इंसर्ट हो गया, यहाँ पे मैंने जो कॉमा दे रखा था वही इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ठीक है, मैंने कॉमा जैसे ही हटाया, ठीक है, और इंसर्ट पे बटन पे क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जी, मैं इधर रख लेता हूँ सबको, डिस्क्रिप्शन में देना भी तो होगा। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल रो जो है इंसर्ट हो जाएगा ओरेकल में। ठीक है, फिर यहाँ पे भी मैंने लिखा है क्वेरी, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फॉर ओरेकल, ओरेकल कर देता हूँ इधर। ठीक है, ओरेकल कैसे करते हैं? माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर में भी आप चला सकते हैं। ठीक है, मैंने नहीं चलाया, आप देखना चला के, लेकिन ये फेल नहीं होगा, चलेगा। फिर से आते हैं जी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम का नेम हम कब दें? जब आपको पता नहीं है। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जब मुझे स्पेसिफिक कॉलम में डेटा एंटर करना है, जैसे एफ आई आर एस टी फर्स्ट नेम और कोर्स, सिर्फ इतने में ही डेटा एंटर करना है, तब हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? हम सिर्फ नेम देंगे और कोर्स का नाम दे देंगे। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में देखिए डेटा इफेक्ट वन सक्सेस। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए स्टूडेंट, राइट। ये देखिए मैं सबसे यहाँ आखिरी में जाऊँ, सभी में नल आ गया, दो ठो में आ गया, तो स्पेसिफिक कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे कॉलम का नेम फर्स्ट नेम में ये चला जाएगा, कोर्स में ये चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉलम का नाम देंगे और फिर वैल्यू देंगे, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगा, राइट। ये ओरेकल पे भी चलेगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? चलेगा, आप चला के देखिए, पेस्ट किया मैंने। ठीक है, इसको हटाया, ऐसे चलाया, रन बटन पे क्लिक किया, इंसर्ट दो बार क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसको भी मैंने रख लेता हूँ इधर, कॉपी कर लिया और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आखिरी में देखिए इंसर्ट हो गया दो बार, क्योंकि मैंने दो बार क्लिक कर दिया था, तो ये ओरेकल में भी चलेगा। ठीक, चली जाएगा, तो इस तरह से आप चला लोगे। ठीक, तो इंसर्ट करना आपको डेटाबेस में डेटा आ गया होगा, राइट। एक बार में एक वैल्यू कैसे इंसर्ट होगा? मल्टीपल वैल्यू, एक रो कैसे इंसर्ट करोगे आप? मल्टीपल वैल्यू कैसे इंसर्ट करोगे? ये चीजें तो क्लियर है ना, क्यों?
तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगा। अच्छा एक चीज़ आप बता देना, मैं बताने के दौरान भूल जाता हूँ कि समय कितना हुआ, तो इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए वो आप बता देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन होता है तो देखते नहीं हैं लोग वीडियो कि ड्यूरेशन ज़्यादा है, और बहुत कम ड्यूरेशन 10 मिनट होगा तो 10 मिनट में मैं बताऊँगा कितना। तो ये ड्यूरेशन कितना होना चाहिए आप मुझे एक बार सजेस्ट कर देना जी, ठीक है। तो इंसर्ट करना हो गया, ठीक है, इंसर्ट करने के बाद डिलीट करना, ठीक। अच्छा ट्रंकेट मैंने आपको नहीं बताया था, DDL कमांड में मैं ट्रंकेट बताने वाला था। ट्रंकेट का मतलब ये है कि इसमें जितना भी रो है एक बार में सारा रो को ख़त्म कर देना, ठीक है। तो ये है ट्रंकेट, एक झटके में सारा रो डिलीट कर देगा। टेबल डिलीट नहीं होगा, स्कीमा स्ट्रक्चर टेबल डिलीट नहीं होगा, सिर्फ रो डिलीट होगा, राइट। करके दिखाता हूँ, ट्रंकेट, राइट, स्टूडेंट, या एंटर कर दूं, कर दिया जी। ये देखिए जैसे ही ट्रंकेट हुआ सारा डेटा डिलीट। अब आप सेलेक्ट कमांड इस्तेमाल कर लो जी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, कुछ नहीं आया, खत्म। मैं कंट्रोल सी करा इसी को, ठीक है, ट्रंकेट कर, ये ओरेकल में भी चलेगा, ठीक है। ये देखिए दोनों को मैं एक साथ चला देता हूँ यहाँ पे, बुरा मान गया लगता है, कोई बात नहीं, हम बारी बारी से चला लेंगे। ट्रंकेट कमांड क्लस्टर टेबल, क्लस्टर टेबल कीबोर्ड आर टेबल, यहाँ पे ऐसे टेबल होगा क्या, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं जा रहा है। फिर तो इसका चलना तो ऐसे ही था, लो ट्रंकेट कर दिया। तो ओरेकल में ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट था, मुझे काफ़ी समय हो गया चलाए हुए तो इसीलिए हमको कुछ ध्यान से उतर भी जाता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ये हम चला दिए। ये देखिए जी डेटा नॉट फाउंड बता दिया, एक भी डेटा नहीं है यहाँ पे, सारा गायब हो गया, ठीक है। तो ये है जी ओरेकल के लिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, फॉर ओरेकल, ठीक, फॉर माई एसक्यूएल, इसको मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ट्रंकेट स्टूडेंट सीधा चलेगा, ओरेकल में ऐसे ही चलेगा। अब एसक्यूएल सर्वर में क्या चलेगा, इन दोनों में से एक तो चली जाएगा जी, आप चला लोगे, ठीक है, मेरे पास है नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि अगले बार उसको इंस्टॉल करके लाऊँ, ठीक है। तो ऐसे आप चला लोगे, तो ट्रंकेट से सारा डेटा एक बार में डिलीट हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या, डिलीट करना, स्पेसिफिक डेटा डिलीट करना, ठीक है। तो मैं एक बार में इन तीनों वैल्यूज को इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, पहले तो डेटा सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ये कर लिया इंसर्ट। हो सकता है नेम रिपीट हो जाए, हो सकता है लास्ट नेम रिपीट हो जाए, हो सकता है कोर्स रिपीट हो, लेकिन जो ये रोल नंबर है ना, रोल नंबर सब अलग अलग है, फीस भी अलग अलग है, पर फीस तो हो सकता है कि सेम हो, ये रोल नंबर अलग अलग है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, डिलीट करना है हमें डेटा, तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिलीट कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। तो डिलीट के लिए हम करेंगे क्या, डिलीट सबसे पहले डिलीट लिखा, डिलीट क्या होता है, डिलीट का, हाँ डिलीट, डिलीट कीवर्ड पहले लिखेंगे, फिर डिलीट फ्रॉम, फिर यहाँ पे टेबल का नेम लिखा जाता है, टेबल अंडरस्कोर, ठीक। तो हम यहाँ पे टेबल स्टूडेंट लिख देंगे, ठीक है, डिलीट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक। अगर इतना चला देंगे जी तो सारा डेटा डिलीट कर देगा। अब हो सकता है कि एसक्यूएल में ना करे,
यहाँ पे नहीं किया, ठीक है, लेकिन एक ओरेकल के केस में हो सकता है कि कर दे, ठीक है। इसको मैं चलाऊंगा तो चलेगा नहीं, इसको मैं चला देता हूँ ओरेकल में, ठीक है। सारा रो इंसर्ट हो गया। अब करता हूँ मैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करा मैंने, तीन रो डिलीटेड, सारा रो मतलब सारा डेटा बारी बारी से ओरेकल डिलीट कर दिया, ठीक है। पर MySQL में ये नहीं चलता है जी, ठीक है, तो ट्रंकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं हम उसमें। तो अब इससे क्या होगा, अगर ऐसे करेंगे तो ओरेकल का सारा डिलीट कर देगा, लेकिन सारा डिलीट होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्लॉज लगाना है वेयर क्लॉज, ठीक। फिर उसके बाद देना है कॉलम नेम, यहाँ पे आप बताइए, ठीक, कि किस डेटा के आधार पे आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं डेटा देखूँ तो डेटा इतना है, अब आप फर्स्ट नेम के बेस पे डिलीट करना चाहते हैं, लास्ट नेम या कोर्स या मोबाइल, ठीक है, या रोल नंबर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जी कॉलम नेम में मैं दे देता हूँ ROLL_INFO, ठीक है, रोल नंबर इक्वल टू समथिंग, ठीक है, रोल नंबर इक्वल टू 114, ठीक, यहाँ पे रोल लेकर देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ डिलीट फ्रॉम, ये सब में कॉमन रहेगा, यहाँ पे टेबल का नेम कुछ भी हो सकता है आपके केस में कुछ भी, फिर वेयर होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद कॉलम का नेम होगा, ठीक, कॉलम का नेम यहाँ पे देंगे। अगर लास्ट नेम के आधार पे डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं लास्ट नेम दे दूंगा यहाँ पे, मैं रोल नंबर के बेसिस पे डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रोल नंबर दूंगा। अब कौन सा रोल नंबर डिलीट करना है बताना तो पड़ेगा, तो यहाँ पे हम दे देंगे क्या, रोल नंबर, यहाँ पे मैं 114 रोल नंबर डिलीट करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल एंटर दबाया, क्या बोल रहा है, डिलीट मोड डिसेबल सेफ मोड, इधर सेफ मोड भी कहीं होता है क्या, एक मिनट रुकना, और एक कल है ये, बंद कर देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा था जी सेफ मोड अपडेट विदाउट करके कुछ, मैंने थोड़ा समय लगा तो मैंने खोजा इधर सेफ मोड, एडिट में गया, प्रेफरेंस में गया खोलना, और इधर ही मैं कहीं खोजा था सेफ मोड, किधर तो था यार, फिर से भूल गया क्या मैं, किधर था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, नहीं, किधर तो था, उधर, एक बार टाइम देना मैं फिर से खोजता हूँ। अब की बार मैंने इसको बंद नहीं करा है, लेकिन अब की बार मैं बंद ही कर दूंगा तो चलेगा, ठीक है। मैंने क्या करा, एडिट में गया, प्रेफरेंस में गया था, ठीक है, फिर ये देखिए इस पर मैं क्लिक करा था, फिर मैं आया था इस पर, ये देखिए सेव अपडेट रिजेक्ट अपडेट एंड डिलीट विथ नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, मैं कर दूंगा इसको ऐसे। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, क्या बोल रहा है, डिसेबल सेफ मोड होगा, मैंने हटा तो दिया फिर भी इसको समस्या क्या आ रहा है, हटा नहीं किया, लगता है कि बंद करके क्लोज करना पड़ेगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ इसे, कैंसिल सेव किया, बंद कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद मैं ओपन करूँगा वर्कबेंच, ओपन हो जाता है मेरा वर्कबेंच,
देखते हैं, हीट बहुत है, कमरा हीट हो रहा है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे नीचे, फिर से मैं करता हूँ इसको डिलीट, ठीक है। तो अब देखिए, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एग्जीक्यूट हो गया, मतलब फाइनली मेरा तो सेफ मोड का लुक जाएगा। क्या आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा? कर लीजिएगा अगर डिलीट नहीं होगा तो, ठीक है। अब यही चीज़ें ओरेकल में काम करेगा क्या? पक्का पक्का करेगा ओरेकल में काम, ठीक है। मैं आपके सामने चला देता हूँ, ठीक है। ऐसे कॉपी करा मैंने, ऐसे, ठीक है। और मैं इसको कर दिया रन, इन अफेक्ट हो गया तीन, ठीक है। अब मैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी, नहीं वेयर रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू 112। अब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट मारा इसको मैंने, कर दिया इसको मैंने रन, ठीक है, डिलीट हो गया। अब मैं सेलेक्ट अगर कर लूँ तो आप देख लेना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब देखना डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये पूरे कल ऐसे चल जाएगा, ठीक। वो प्राइमरी की वगैरह का लोचा था, तो इसलिए वो बोल रहा था जी सेफ अपडेट पता नहीं फलाना ढिमाकर, ठीक है। तो इस तरह से डिलीट आप कर लोगे, अपडेट कैसे होगा, ठीक है, अपडेट करना भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया था, जैसे मान लीजिए कि उसको मैं थोड़ा बताता हूँ वो क्यों लिया था अलग अलग। तो मैं आता हूँ नीचे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ऐसा आ गया। मैं क्या चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मर्ज करके आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा, पहले तो कॉलम मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे कॉलम नेम हम दे सकते हैं, एफ आई आर एस टी फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा सी ओ यू आर ए सी। मुझे जो जो कॉलम चाहिए मैं सारा कॉलम, कॉलम का नाम इधर दे दूंगा और एंटर कर दूंगा तो उस कॉलम का डेटा आ जाएगा। सेलेक्ट आर एस टी फर्स्ट नेम, राइट। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट दो बार क्यों हो गया है भाई, देखिए आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जुड़ कर के आए आपस में, तो मैं क्या करूँगा, बस एक मेथड कॉल कर दूंगा इसमें। पहले मैं प्लस इक्वल का साइन दे दूंगा, ये तो सही नहीं होगा, अगर मैं करूँ तो क्या होगा, ये नहीं आया, ठीक है। एसक्यूएल वगैरह में ऐसे करते थे, ठीक है, ओरेकल में तो ऐसे भी काम चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं चला जी, तो यहाँ पे क्या चलेगा, इसको कॉपी करता हूँ मैं, ओरेकल में चलाऊंगा, ठीक है। कॉनकैट मेथड का इस्तेमाल करूँगा मैं, ए लीजिए किया कॉमा दिया, मैं चाहता हूँ दोनों के बीच में एक वाइट स्पेस आ जाए, ठीक है। तो वाइट स्पेस आ जाएगा ऐसे, फिर कॉमा दिया, मैं यहाँ पे ऐसे मेथड कॉल कर लूँगा कॉनकैट का, ठीक है। अब चलाया, आ गया जी दोनों नाम जुड़ करके फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लेकिन नेम में ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, एज फुल नेम इस तरह से हम चला देंगे जी। तो ये फुल नेम हो गया, जुड़ करके आ गया। तो इसी पर्पज से मैंने लिया था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये बताना छूट रहा था। ओरेकल में भी ये बराबर काम करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओरेकल के लिए एक कॉन्केट का क्या ज़रूरत है अभी, कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे मैं चला के दिखा देता हूँ एक बार। देखिए इनवैलिड आर्ग्यूमेंट आ गया, ठीक है, इसको हटा दूंगा मैं, ऐसे कर दूंगा, यहाँ पे कॉलन का साइन दे दूंगा बस, और क्या हो तो गया, ठीक है। अब इसको हम रन कर देते हैं, ये दोनों फुल नेम कॉन्केट होके आ गया, ठीक है। स्पेस देना हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे चलेगा क्या? नहीं जी, ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, ऐसे स्पेस, ऐसे फिर ऐसे दे देंगे हम, फिर भी नहीं चलेगा क्या? चलना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं और ज़्यादा स्पेस दे दूंगा तो क्या हो जाएगा जी, आप समझदार हैं क्या हो गया, देख ही लिए आपने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे कर लिया करोगे, ठीक है। मैंने हटा दिया तो गायब हो गया, ठीक है। मिसिंग एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने भूल गया, ठीक है, ऐसे दे दिया सिंगल कोट, तो ये स्पेस आ गया बीच में, ठीक है। एज दे के यहाँ पे नेम हमने दे दिया, कोर्स को भी हम रीनेम कर सकते हैं, ऐसे सी लिख सकते हैं तो सी कोर्स आ जाएगा ऐसे में, ठीक है। देखिए सी आ गया, तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 36 मिनट हो चुका है जी, तो बाकी का अगर आप कहें तो हम, मैं सोचा था कि डिलीट का भी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन डिलीट हम नहीं बता सके आज, क्या करें, समय ज़्यादा लग गया हमें, ठीक है। तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट करके जी कि ड्यूरेशन कितना रखें तो ठीक है आपके लिए। और ओरेकल ये काम करेगा ओरेकल में जी, और फॉर माई एसक्यूएल के लिए हम इधर से कॉपी कर लेंगे कॉन्केट वाला, क्यों हो गया भाई ऐसे, ठीक है। ये है माई एसक्यूएल के लिए, एसक्यूएल के केस में प्लस का साइन लगता है, जो मैंने पहले लगाया था, ठीक है। एसक्यूएल के केस में प्लस का साइन लगता है कॉन्केटेनेशन में, ठीक है। तो डिलीट करना बच गया, डिलीट करना भी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो है नहीं डिलीट करना, डिलीट करना तो मैंने बता दिया शायद, राइट, डिलीट करना बता दिया, अपडेट करना नहीं बताया आपको, अपडेट करना छोटा सा बता ही देता हूँ कैसे होगा। अपडेट के लिए सीधा अपडेट लिखते हैं, ठीक है, अपडेट, उसके बाद हम टेबल का नाम लिखते हैं, अपडेट के बाद स्टूडेंट, टेबल का नाम हमने लिखा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, सेट लिखते हैं, फिर कॉलम का नेम लिखते हैं जिस कॉलम को अपडेट करना है। तो मुझे किस कॉलम को अपडेट करना है, FIRST फर्स्ट नेम, क्या करना है फर्स्ट नेम को, अपडेटी, ठीक, अपडेट लिखना है, ठीक ठीक। अब ऐसे चला देंगे पूरा, ठीक है, तो ऐसे ठीक नहीं है जी, हम वेयर क्लॉज लगाएंगे, नहीं सारा अपडेट हो जाएगा, हम मज़ा नहीं आएगा। वेयर आईडी, ठीक, किसको हमको अपडेट करना है जी, फुल नेम के बाद कोर्स के जगह पे यहाँ पे मैं आईडी भी ले लेता हूँ, आईडी नहीं रोल नंबर है हमारे कॉलम का नाम, अंदर इसको रोल नंबर, मैं इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 15 है रोल नंबर, ठीक है, तो आईडी लिख दिया इक्वल टू आईडी के रोल नंबर के, रोल नंबर हुआ ना अंडरस्कोर एनओ, ठीक है, 115, ये है जी हमारा। अब यहाँ पे मैंने एक कॉलम लिया है, आप मल्टीपल कॉलम लेके ट्राई कर सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके, ठीक, जैसे मैं ऐसे कर दिया, ठीक है,
फर्स्ट नेम के जगह पे मैं लास्ट नेम कर दूंगा, एलएसटी लास्ट नेम, ठीक है। जैसे कंट्रोल एंटर मारूंगा अपडेट हो जाएगा जी, ठीक है। तो कैसे कैसे होगा, पहले हम क्या करेंगे, अपडेट लिखेंगे, फिर स्टूडेंट नेम लिखेंगे, फिर हम सेट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। फिर जिस कॉलम को अपडेट करना है उस कॉलम का नाम लिखेंगे, उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे, राइट। आखिर में वेयर क्लॉज लगाएंगे, और किस डेटा के आधार पे, मतलब किसको अपडेट कर दो, तो जिसका रोल नंबर ये है उसको अपडेट कर दो, राइट। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर दूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अपडेट आ गया ना, ये देखिए। तो इसी तरह से आप बाकी को भी अपडेट करने का कोशिश करना, राइट। ये ओरेकल में चलेगा या नहीं आपका क्वेश्चन हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर में चल जाएगा जी, आप खुद देख लीजिए। मैं रन कर दिया यहाँ पे कमांड, क्या कर दिया मैंने, क्या बात है, स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखिए था ही नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 13 कर दिया, ठीक है। किसको अपडेट करो, रोल नंबर इसका 13 है, 13 रोल नंबर ये वाला है, इसको अपडेट कर देगा ये, ठीक है जी, कर दें अपडेट, समझ गए आप। अपडेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, फिर इस टेबल का नाम यहाँ पे लिखना है, टेबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा, आपका जो टेबल का नाम है वो लिखेंगे आप, फिर सेट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलम का नाम, जो कॉलम का नाम होगा वो कॉलम का नाम यहाँ रखेंगे जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू देंगे। नंबर होगा तो सिंगल कोट डबल कोट कुछ नहीं लगेगा, सीधा नंबर लिखना है, ठीक। फिर नेम, फिर वेयर क्लॉज, फिर किसके बेस पे, मैं आईडी के बेस पे किया हूँ, आप कोर्स के बेस पे कर सकते हैं, ठीक। चलिए जी मैं कर देता हूँ अपडेट, समय को ना बिताते हुए। काओ बोल रहा है इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट, ऐसा आखिर क्यों कह रहा है, देखिए सेमी कॉलन लगा था तो इसको समस्या हो रहा था, वन रो अफेक्टेड हो गया, ठीक है। तो ये एसक्यूएल में भी चल जाएगा, ठीक है। 13 के बाद 14 हम करते हैं, ठीक है, सेमी कॉलन, ये अपडेट हो गया, ठीक है। कुछ समस्या होगा इंटरनली, सेमी कॉलन भी तो अभी लगाया फिर भी चल गया जो है, तो ऐसे अपडेट हो जाएगा। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, क्रिया सेलेक्ट, अपडेटेड अपडेटेड, तो तीनों चारों अपडेट हो गया। तो ऐसे आप अपडेट कर लोगे जी, अपडेट का भी काम मेरा खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ, एंटर अपडेट, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल, ठीक है, ये सभी के लिए चल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप कर लोगे जी, तो इंसर्ट हो गया, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, बाकी देख लेंगे आगे, ठीक है। 43 हो गया जी इतना समय, तो आप बता देना जी, कुछ दिक्कत हो आपको कमेंट करके पूछ लेना जी, ठीक है। चलिए, ओके।